हम लोग पूछे अगर आप बताना चाहें तो ये लगभग आपने 70 डिसमिल में ये लगाया और कॉस्टिंग क्या आई होगी और आपने क्या इसमें से अर्निंग कर लिया, जो कमाई हुई वो कितनी हो गई लगभग? नमस्कार, मैं दितेश, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम लोग एक और फार्मिंग में हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है शिमला मिर्च, जिसे कैप्सिकम बोलते हैं इसे, वो है। और इसे जो हर डिश में, अभी आपको हर रेस्टोरेंट में हर डिश में ये आपको मिलता होगा, और अभी ये लोकल लेवल पे उगना चालू हो गया है। इसके बारे में बताने वाले हैं कि कैसे इसको उगाया जाए, कैसे इसकी सही समय क्या है, सारा चीज़ इस वीडियो में डिटेल करेंगे हम लोग। आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। कम उम्र के हैं लेकिन बहुत अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं। तो मैं इनके बारे में बताऊं कि ये आज हमको शिमला मिर्च की खेती घुमाने वाले हैं, जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे होंगे। तो अंकित जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मुझे ये बताइए ना कि ये कब लगाए आपने? ये हम लोग अगस्त में लगाए थे, अगस्त में। 10 अगस्त में आपने रोपाई किया था या बीज डाला था? रोपाई किए थे। पौधे को नर्सरी से तैयार करवाए थे रायपुर में। हाँ, हाँ, और वहाँ से मंगवाए थे एक एक पौधे से। अच्छा, वो ट्रे में यहाँ पौधा आया? जी, ट्रे में आया। और लगभग इसका जो फसल है वो कितने दिन में रेडी हो गया, आपको मिलने लगा? इसका फसल हम लोग को सर 40 से 50 दिन बाद स्टार्ट हो गया। और आप अभी बेचना चालू कर दिए हैं मार्केट? बेचना चालू कर दिए। बहुत अच्छी बात है। आप लोग शिमला मिर्च जैसे आजकल हर रेस्टोरेंट में है, तो आपको कहाँ से आइडिया आया कि ये लगाना चाहिए, जबकि ये हमारे लिए एक हाई प्रोफाइल वेजिटेबल है? जी, बट आपको आइडिया कहाँ से आया इसको लगाने का? क्या था कि इसका जो शिमला मिर्च है ना, तो इसको चाइनीज जो अपना रहता है चाइनीज फास्ट फूड, हाँ, उसमें तो यूज करते हैं। बिल्कुल, लेकिन आजकल घर वाले सभी इसका ज्यादा डिमांड हो गया, घर घर में, हर घर में। पहले तो सिर्फ चाइनीज फास्ट फूड में होता था, लेकिन अब हर घर में इसका डिमांड बढ़ गया। जी, इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना इसी को उगाया जाए। इसका मार्केट रेट जो अपना अगस्त से लेके अक्टूबर तक है ना, बहुत अच्छा रहता है। लगभग पूछा जाए तो वो कितना? लगभग 80, 90, 100, 110 किलो ये थोक में। थोक में अगर किलो के हिसाब से थोक में आपको 100 रुपए मिनिमम मिलने वाला है छत्तीसगढ़ में अगस्त से लेके अक्टूबर तक। तो आई थिंक एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है हमारे लिए, आपके लिए। मुझे ये बताइए, जैसे आपने बताया कि इसको हम लोग रायपुर से रेडी करवाए थे, तो वहाँ पे कहाँ पे ये मिलता है वो बता दीजिए। ये हम लोग एक सिजिंटा कंपनी है, उसी का शिमला है। अच्छा, हम लोग उसका वैरायटी जो है रायपुर में प्रो ट्रे में करवा के यहाँ पे मंगवाए। वो कौन कंपनी, कोई दूसरी कंपनी और करके देता है आपको? जैसे हमने बहुत सारे फार्मिंग में देखा कि चौड़ा बाग में रेडी होता है, बीएनआर में रेडी होता है। मुझे आगे थोड़ा सा ये बताइए कि इसका जो वैरायटी है उसके बारे में आपने बताया नहीं, वो बता दीजिए। लगभग कॉस्टिंग या कितने एकड़ में आपने लगाया वो बता दीजिए। क्या था कि ये हम लोग सिर्फ शुरुआत कर रहे थे, अभी तो ज्यादा नहीं है हम लोग का, सिर्फ खीरा। हम लोग क्या है, खीरा में ज्यादा डिपेंड रहता है, खीरा, मटर, आलू, तरबूज, मतलब ज्यादा फायदे वाले में आप लोग को मजा आता है। एक बार शिमला लगा के क्यों ना देखा जाए, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ 75 डिसमिल एरिया चुने हैं। अच्छा, तो लगभग क्या कॉस्टिंग आई होगी इसमें? इसमें कॉस्टिंग हम लोग को एक पौधा 2.5 रुपए पर पौधा पड़ा। अच्छा, और 75 डिसमिल में हम लोग का 5,000 से 5,500 पौधा लगा है। ओके, इसमें शुरुआत में हम लोग जब इसको ट्रांसप्लांट करवाए यहाँ पे, तो इसमें शुरुआत में फंगीसाइड, माइट्स और जो थ्रिप्स है ना, इसमें ज्यादा अटैक किया। अच्छा, तो माइट्स के लिए हम लोग फ्लोरामाइट या मेटिकेट या बायर का ओवेरोन आता है, ये सब ज्यादा यूज किए इसमें। अच्छा, इसमें माइट्स का बहुत दिक्कत होता है। जैसे ये देखिए, ये अपना पत्ती देखिए मुड़ा हुआ है, ये नाव टाइप का बन चुका है, ये थ्रिप्स अटैक हुआ था बहुत पहले। अच्छा, ये होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना। क्या है कि पत्ता बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ऐसे मुड़ा रहेगा ना, तो पत्ता फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो बनाता है वो नहीं बना पाएगा, ये भोजन नहीं बना पाएगा अगर पत्ता मुड़ा रहता है तो। इसके लिए मैं इसमें इमीडा क्लोरोप्राइड और फिप्रोनील, ये नॉर्मल मेडिसिन है जो मिलता है हर जगह मिलता है, उसको मैं इस पे यूज किया था। और रिपीट में एक राणा नाम का बायो आता है, ऑर्गेनिक राणा नाम का होता है ट्रेड नेम जी, उसको मैं रिपीट करके डलवाया, तो इसमें जो थ्रिप्स का कंट्रोल था ना, अच्छा हुआ। मैं देख रहा हूँ आपके खेत में जो शिमला मिर्च है, उतने ही 30% गेंदे के पौधे हैं, तो मतलब क्या कारण है कि आपने फूल की भी खेती साथ में कर ली? जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि जो अपना ये सोलेनेसी क्रॉप है, अच्छा, जिसको कैप्सिकम एनस बोलते हैं, हाँ, तो इसमें थ्रिप्स का अटैक बहुत होता है। ओके, जो थ्रिप्स है ना, येलो स्टिकी ट्रिप
उससे कंट्रोल होता है या तो किसी पीले चीज से, तो इसलिए मैंने इस गेंदे को लगाया थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, जो इसमें जो सरल भाषा में ऐसा बोले कि जो इसमें कीड़े मकोड़े लगेंगे वो इसको ना अटैक करके वो गेंदे पे जाएगा जी, और भी उसको पीला कलर पसंद है। हाँ, और दूसरा बात कि हनी बी का अट्रैक्ट इसमें ज्यादा होगा, हनी बी यानी मधुमक्खी जो आसपास में होंगे ना, जिससे वो इसके फूल को टच ना करके वो सीधे गेंदे पे आके, हाँ, इससे पॉलिनेशन जो है ना इसका बढ़ जाता है। अच्छा। जैसे हम लोग जानते हैं कि 90% पॉलिनेशन हनी बी ही कराता है, इसलिए मैंने इसको लगाया ताकि हनी बी भी हमारे में बहुत है यहाँ पे। अच्छा, तो उससे आपको मिर्च को फायदा होता है? जी बिल्कुल होता है। मैं आपको बताऊं कि इसमें मेल और फीमेल दोनों पौधे होते हैं, तो इसमें जो बहुत सारे मेल फीमेल होते हैं, तो मेल और फीमेल को इसमें पॉलिनेशन के लिए जरूरत पड़ती है हनी बी की। जी, तो जी। सबसे अच्छा माध्यम जो होता है वो हनी बी होता है, उसके लिए ये गेंदे लगाए गए हैं ताकि वो इसमें इस खेत में आए और एक दूसरे पौधे पे बैठे। मैं सही कह रहा हूँ? तो उसके बाद में आप ये गेंदे का क्या करेंगे, ये भी सेल आउट हो जाएगा मार्केट? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप बहुत अच्छा, इसकी कमाई कमाई और उसकी कमाई बोनस। हाँ, बोनस बोनस बोनस, ये एक तरह का बोनस हो गया यहाँ पे। इसको दिवाली में बेच दिए। हाँ, हाँ। या यहाँ पे ममाया मंदिर है अपना, मतलब बहुत सारा मंदिर है। हाँ, मंदिर में भी बिकता है, मंदिर में हाँ, वहाँ बेच दिए। या फूल मंडी है अपना अंबिकापुर, अंबिकापुर में घड़ी चौक के पीछे वहाँ पास इसको ले जाके बेच दिए, तो अच्छा रेट इसका मिल जाता है। थोड़ी सी अब अंदर की बात अगर हम लोग पूछे, अगर आप बताना चाहें, तो ये लगभग आपने 70 डिसमिल में ये लगाया, और कॉस्टिंग क्या आई होगी, और आपने क्या इसमें से अर्निंग कर लिया, जो कमाई हुई वो कितनी हो गई लगभग? इसमें लगभग अपना 75 डिसमिल है, तो इसमें मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा 40-50 हज़ार गया। अच्छा, इसमें 10-20 हज़ार रुपए और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जा सकता है। ओके, जिससे मुझे अब तक प्रोडक्शन 2,20,000 का हो चुका है। हो चुका है, और लगभग ये कितने दिनों तक अभी ये फसल चलने वाला है? ये अभी 2 महीने और जाएगा फसल, मतलब 2 लाख रुपए और आप निकाल लेंगे इसमें से। हाँ, ऐसा उम्मीद करते हैं। हाँ, उम्मीद कर सकते हैं, जब अगर अच्छा रेट और मिल जाए बीच में ना। हाँ, तो इसका और प्रोडक्शन, इसकी खेती लोगों को करनी चाहिए? मैं आपके, आप जो फार्मर देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज दे दीजिए कि इसकी खेती कैसे करें और करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो बता दीजिए थोड़ा कैमरे में। इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो पौधा है ना, ये एक अच्छे नर्सरी से तैयार करवाना पड़ेगा जी। अगर नर्सरी अच्छा तैयार नहीं होगा तो पौधा हम लोग का बनेगा ही नहीं बनेगा। अच्छा। जब ये नर्सरी से आ गया, ट्रांसप्लांट कर दिए इसको, तो इसमें हम लोग सबसे पहले गुड़ डालेंगे, ह्यूमिक एसिड डालेंगे, और एक डाइथेनम 45 आता है जी, उसको इसमें डालेंगे, जिसमें मैनको जेब 70% हर जड़ में, हर जड़ में ड्रेंचिंग करवाएंगे, ड्रेंचिंग ड्रेंच करवाएंगे ट्रांसप्लांट के 2 दिन बाद। अच्छा। ऐसा हम लोग रिपीट करेंगे लगातार 2 दिन, 2 दिन तक हर पौधे के जड़ में जी। क्या है कि जो अपना डाइथेनम 45 जिसमें मैनको जेब 70% होता है, वो हमारे जितने फंगस को है अटैक, जो सॉइल बॉर्न डिजीज होते हैं फंगस, फंगस वो उसको खत्म कर देगा, ह्यूमिक एसिड जड़ का ग्रोथ करा देगा। अच्छा। और जो गुड़ है ना वो हल्का मिट्टी को भुरभुरा कर देगा, इसलिए मैं ये तीनों को सलाह दूंगा डालने के लिए। जनरली ये किसानों को, जनरली ये चीज डिटेल कोई भी नहीं बताता, यूट्यूब पे आपने कभी नहीं देखा होगा या देखा भी होगा, बट हम लोग जो डिटेल कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लोग तारीफ भी कर रहे हैं उसकी। मुझे ये अभी 2 महीना लगभग और चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा, 3 महीना, ये 2 महीना चला हुआ है जी, और करीब 4-5 महीने का बिजनेस है। तो ये मल्चिंग इसमें भी जरूरी है, ड्रिप इसमें जरूरी है जी, मल्चिंग तो बिना मल्चिंग खेती संभव ही नहीं। अब जो बीड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी जो समय है उस पे मल्चिंग बहुत ज्यादा जरूरी है जी, जी, जी। आप हमारे चैनल पे आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो ज्ञान दिया आपने, जो जानकारी बताई, उसके लिए हम लोग आपके आभारी रहेंगे। और जो भी किसान भाई हम देख रहे होंगे, तो ये अंकित जी हैं, और मैं कोशिश करूंगा इनसे, जैसे आप लोग कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं तो कभी कभार कांटेक्ट करा दूंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।